आप जा रहे हो तो यहाँ पर नमीज भी बैठ गया है, स्कूटी में जाने के लिए तैयार हो चुका है। ये यहाँ पर ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, यहाँ पर पहाड़ी बाइकर का घर है, ये देख सकते हो आप चौखंबा। नमीश आप जा रहे हो अभी है? आप जा रहे हो हैं आंगनवाड़ी कहाँ हैं स्कूटी में हाँ। तो अभी आप देख सकते हो नमीश भी यहाँ पर तैयार हो चुका है और रिंकी भी तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और अब थोड़ी सी देर है मेरे ऊपर, मुझे भी तैयार होना है क्योंकि आज हम जा रहे हैं राहुल लेक। कहाँ जा रहे हैं आज राहुल लेक? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं राहुल लेक पहले बता। हाँ राहुल लेक है नाना के यहाँ, वहाँ क्या हो रहा राहुल लेक है? गाड़ी लौट तो बे अच्छा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो ये छोटा सा झरना है, और पहाड़ों में ऐसे कई सारे झरने मिलते हैं। तो अभी हम उखीमठ मार्केट में पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हमें जो भी सामान चाहिए था वो हमने ले लिया है और अब यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। तो ये सामने पे आप देख सकते हो ये गुप्तकाशी है, और अभी अभी हम यहीं से आए गुप्तकाशी होते हुए यहाँ से, और यहाँ कुंड यहाँ से होते हुए इधर आए, ये आप सामने पे देख सकते हो ये गुप्तकाशी है ये, और ये इसी के साथ आपको ये उखीमठ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये उखीमठ है। ये सामने पे आप देख रहे होंगे ये नीचे पर, यहाँ पर श्री ओंकारेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पर, ये जहाँ पर 6 महीने श्री केदारनाथ की डोली विराजमान रहती है, तो यही श्री ओंकारेश्वर जी का मंदिर है। और ये आप यहाँ पर ये उखीमठ देख सकते हो, इस रूट पे जाना है ये आगे राहुल लेक, और ये आप सामने पे टॉप देख सकते हो चौखंबा। तो अभी हम मनसुना पहुंच चुके हैं, तो ये यहाँ पर ये वाला रास्ता आप देख सकते हो, यहाँ पर पहाड़ी बाइकर का घर है, इससे थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ी बाइकर का घर होगा यहाँ पर, तो ये आप लोकेशन देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हम मनसुना मार्केट में पहुंच चुके हैं, तो ये मनसुना मार्केट कुछ इस तरह से है, और ये सामने पे आप चौखंबा देख सकते हो जो मैं आपको वहां से दिखाता हूँ अपने घर से, देख सकते हो आप चौखंबा। तो यहाँ पर नमीज भी बैठ गया है स्कूटी में, जाने के लिए तैयार हो चुका है। नमीज हाय करो सबको, सबको प्रणाम करो, नमस्ते करो सबको। तो अभी हम राहुल लेक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर करेले हो रखे हैं बहुत ही जबरदस्त मीठे करेले। तो अभी आपको सच बोलूं, यहाँ से आते आते मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं यहाँ से ऊपर आते आते, और ये इतना बड़ा बैग भी है, और नमीश यहाँ पर गोद में आ रहा है, और ये आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है। तो अभी अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और चाय पी ली है यहाँ पर, तो अभी आप ये देख सकते हो। यहाँ से आप ये ठीक सामने पे देख रहे होंगे, यहीं पे हमें थोड़ी देर में जाना है, वहाँ पर पांडव लीला हो रही है आप देख सकते हो वहाँ पर।
ये आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ की भाषा में इनको छेनी कहा जाता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरी बेल है यहाँ पर छेनी की। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी बेल है। ये बेल देख सकते हो, पूरी बेल यहाँ से जा रही है, ये ऊपर से, और ये पूरी छत में ये बेल है। आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग अंधेरा हो चुका है। ये आप देख सकते हो, और ये आप सामने पे चौखंबा, ये देख सकते हो यहाँ पर, ये मधुगंगा है। अभी अंधेरा हो चुका है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। सबको सबको प्रणाम करो, यहाँ देख के करो, यहाँ देख के बोलो प्रणाम, प्रणाम ऐसे बोलो, सबको मेरा प्रणाम। पहले बोल सबको मेरा प्रणाम, अब बोल। तो यहाँ पर नमीस फुल एंजॉय कर रहा है। अभी अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी 8:15 हो रहे हैं, 8:30 बजे वहाँ पर पांडव लीला स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ से 8:30 बजे जाना है। और ये नमीस यहाँ पर देख लो, इस गाड़ी में, ये नमीस इस गाड़ी में बैठ के आज पूरे शाम से इसी में बैठा है और कह रहा है कि मैं इसी में बैठ के रहूँगा। अरे इधर आ जा, इधर आ। ये किसकी है गाड़ी? गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? गाड़ी किसकी है? मेरी। दीदी की? दीदी। किसकी गाड़ी है? इधर देख।
ये भोले तेरी सो माना की गजा।